नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष रहा है। आप देख रहे क्वेश्चन आर भार। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछली बार वीडियो में जब किसान वाले मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन करने की कोशिश की थी कि इसमें किसान कम खालिस्तानी फोर्सेस ज़्यादा हैं। और उस चीज़ को तुल देने के लिए और एक चीज़ और मैंने बोली थी कि ये सब जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिर्फ ये पंजाब हरियाणा दिल्ली इस रीजन के सेंटर में ही क्यों चल रहा है, क्यों नहीं किसी और स्टेट के बाकी किसान या फिर बाकी गवर्नमेंट्स को कोई आपत्ति, ऐसा क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो अब देखिए, लग रहा है कि किसानों ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। लॉजिकली जो बाकी सरकारें हैं, जो बाकी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और नीचे जो बाकी राज्य हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि अब ये लोग भी किसान रैली निकाले। जैसे अखिलेश यादव ने अपोजिशन होते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भी मार्च निकालेंगे और जरूरत पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सब सुनने में आ रही हैं। आप लोगों को जो मैंने बात की थी, अब मैं शुरुआत में आना चाहता हूँ कि कैसे ये खालिस्तानी फोर्सेस का काम ज़्यादा है और एंटी इंडिया फोर्सेस का काम ज़्यादा है, और इसमें कम्युनिस्टों ने भी बहुत अपना अच्छा प्यारा सा रोल प्ले किया। कैसे किया है आप समझेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जो बैनर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले तो बहुत ज़ोर शोर से वायरल हुआ कि ये इस प्रोटेस्ट में निकाला गया है। फिर द लॉजिकल इंडियन ने लॉजिकली इसका फैक्ट चेक करते हुए ये साबित किया कि ये इस बार का तो नहीं है, 2018 का है। एक बार को भी मान लेते हैं, चलो एक बार को मान लेते हैं है भी अगर, क्योंकि जो ट्वीट जिस ट्वीट में दिखाया गया था ये, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उसकी डेट वही है पोस्ट की हुई, तो डेट को तो आप बैकवर्ड नहीं कर सकते। चलिए मान लिया कि डेट पुरानी है और एक ट्वीट पुराना है, लेकिन जो फैक्ट चेक करने वाले ने भी इस बात पे अपना ओपिनियन नहीं दिया कि ना योगी की चलेगी, ना मोदी की चलेगी, ना जय श्री राम की चलेगी। योगी मोदी तक तो ठीक था, पॉलिटिकली आप कर सकते हैं, लेकिन जय श्री राम की नहीं चलेगी। इसका मतलब साफ है कि आप जो कम्युनिस्ट मॉडल है, जो इस्लामिस्ट मॉडल है, जो एंटी इंडिया एंटी हिंदू मॉडल है, उसको आप फ्रंट पे रख के उसका मतलब आप उसी की पावर से, उसी मेंटालिटी से, उसी आइडियोलॉजी से इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस खालिस्तान का जन्म ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ है, वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं आपको यहाँ तो अफेक्ट करेगी। जबकि इस बीच में बहुत समय से खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में ज़ीरो है, ना के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत, और कनाडा में और यूके में वगैरह वगैरह, मतलब कि विदेशों में ज़्यादा एक्टिव है भारत के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ भी इस चीज़ की जड़ खोदी जा रही है कि भारत के पंजाब को भी हम अलग करवा दें किसी तरीके से। मैं दो तीन तरह के लोगों को अपना ये मैसेज देना चाहता हूँ। पहले वो लोग जो ये समझते हैं कि सिखों को हमसे अलग करके ले जाएंगे, और ये जो बहरूपिया देख रहे हैं आप, ऐसे हैं वो लोग जो बीच में आए हैं, किसान बन के किसानों के बीच में घुसे हैं। दूसरे वो लोग जो ये सोचते हैं कि किसान अपना खाना खुद लाया था, लेकिन पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि सरकार ने तो व्यवस्था ही नहीं की थी, वहाँ भी किसान को ज़मीन बिठा के खाना खिलाया जा रहा है, किसान को अपना खुद का खाना खाना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, किसान ने एग्रेशन दिखाते हुए अपने ईगो में कह लीजिए, अपने आत्मसम्मान में कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, प्रोटेस्ट के तौर पर कह लीजिए, उन्होंने अपना खाना खुद खाया, उसका सम्मान होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम सारी बातें सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम उस सिख समाज को तोड़ ले जाएंगे, जिस सिख समाज ने पूरे इस्लामिक चरम पंथ को, पूरे रेडिकल इस्लाम को, पूरे जो इस अब्राहमिक रिलीजन को, जो निकलता है जिस देश में घुस जाता है किसी तरीके से, उस देश की पूरी आबादी को विद इन फ्यू ईयर्स, मतलब 15-20 साल से 50 साल से 100 साल के अंदर अंदर पूरा इस्लामीकरण कर देता है, अब मेजोरिटी में आ जाता है, उसको ख़त्म करने में बहुत बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है हमारे सिख समाज ने, जो कि निकले भी हमसे ही हैं। लेकिन उनको पोर्ट्रे ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमसे नहीं निकले हैं, वो तो अलग ही एक कोई ऐसी क्रिएशन है जो एलियन है, जो किसी और ग्रह से आए थे। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे हमारे बीच से हमारे दलित समाज को उनको क्रिटिसाइज़ करके, उनको जलील करके, उनको ये फील करा के, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करा के अलग करने की कोशिश की जा रही है मेन स्ट्रीम हिंदू समाज से, उस तरीके से सिखों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस सिख समाज ने तब गिव अप नहीं किया जब उनके गले पे तलवार रखी गई थी, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन
इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं भारत में उसका वाइड स्प्रेड स्वीकार किया, मतलब अपनी जान की बाजी लगा के जिस हद तक रोक सकते थे उन्होंने रोका। अगर आज की डेट में लोग ये कहते हैं, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब के मुँह से कहा है, जो इतने बड़े भाई ज्ञानी आदमी हैं, उनके मुँह से कहा सुना है कि अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो आज जो हम लोग ये हिंदू बने घूम रहे हैं, आज जो हिंदू मंदिर हैं, हिंदू नाम हैं, हिंदू ध्वज है, सब जो कर पा रहे हैं वो शायद ना कर पाते। तो जिनका योगदान भारत के लिए इतना बड़ा है, आप उसको कैसे काट के ले जाएंगे? और जो कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जा रहे हैं कि भाई चलो हम हमारे जो खालसा संप्रदाय है उसके नाम पे एक और हम राज्य काट के ले जाएंगे, तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ भी एक बहुत बड़ा पंजाब प्रांत है, जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी पंजाब को अलग कर लीजिए अगर आपको इतनी ही इच्छा है तो। जिस पाकिस्तान ने ये बीज बोया है, जिन मुसलमानों ने बीज बोया है आपके दिमाग में, वो क्यों नहीं दे देते अगर वो इतने ही अच्छे हैं, अगर वो आपके इतने ही अच्छे भाई हैं? एक मैं बात कह रहा हूँ, मतलब उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके दिमाग में कीड़ा खालिस्तान का घूम रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपका इस्तेमाल, कोई आपकी पगड़ी का इस्तेमाल, कोई आपके गौरवशाली इतिहास का इस्तेमाल इस तरीके से करे कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और आप अपने ही पूर्वजों के किए कराए पे पानी फेर रहे हैं धीरे धीरे। उन्होंने जिस पर्पस के लिए, जिस समाज के लिए और जिस समाज से निकले और जिस धरती के लिए, जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी और मुगल साम्राज्य से इस्लामिक रूलरों से इतना लड़े कि आज जो हम सो कॉल्ड मेजॉरिटी में हैं, सो ही कॉल्ड बोलूँगा क्योंकि इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, तो वो शायद हालत कुछ और होती। मेरा मैसेज अगर सही से मिल गया हो तो कमेंट बताइएगा। अगर आप मेरे जवाब से, मेरे आग्रह से, यानी मेरे समझाने के तरीके से अगर आप सहमत होंगे तो वीडियो को और आगे बढ़ाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।